हाँ तो दोस्तों, आ गए हम इस सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर। पहला वीडियो आ चुका है जो था इंट्रोडक्शन वीडियो इस सीरीज का, जिस सीरीज का नाम है TTT सीरीज। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं TT सीरीज के फर्स्ट अल्फाबेट का, तो क्या निकलता है देखते हैं। थंबनेल, जैसा आपको पता है कि वीडियो की जान थंबनेल होता है। अगर आपका थंबनेल जितना अच्छा है, आपके इंप्रेशन उतने ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्लिक थ्रू रेट उतना ज़्यादा बढ़ने वाला, वीडियो की रीच उतनी ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि थंबनेल ही वीडियो की जान होता है। लोग थंबनेल देख के ही क्लिक करते हैं, ना कि आपके वीडियो। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले अट्रैक्टिव अपना थंबनेल बनाना है, तो इसके लिए मैंने थंबनेल को दो भागों में डिवाइड किया। एक है साइलेंट थंबनेल और दूसरा है टॉकिंग थंबनेल। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन साइलेंट थंबनेल की। साइलेंट थंबनेल को हम कह सकते हैं कि वो थंबनेल जिस पे हमने वर्ड का कम यूज किया, यानी एक से दो वर्ड लिखे हैं, उसमें हमने इमेज का और इमोजी का यूज किया है, जिससे सामने वाले पर सस्पेंस क्रिएट हो सके। क्योंकि इमोजी से सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि वीडियो में क्या बताया गया होगा, और इमेज भी ऐसी लगानी पड़ती है उसमें कि सस्पेंस क्रिएट। इसको हम सस्पेंस थंबनेल भी बोल सकते हैं। सामने वाले के दिमाग से हमको खेलना है कि सामने वाला क्या सोचता। आप अपने को रख के देखिए, जैसे आप कोई वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके सामने कोई ऐसा थंबनेल आ गया जिसके बारे में आपको पता नहीं चल रहा कि वीडियो उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, थंबनेल केवल सस्पेंस क्रिएट कर जा रहा है, तो आप उस पर क्लिक कर देते हैं। तो ऐसे थंबनेल पर 80-90% लोग क्लिक कर देते हैं, या वह वीडियो उनके काम का हो या चाहे ना हो। तो हम इस पर क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए ऐसे थंबनेल का यूज करते हैं। जैसे ए वाला थंबनेल देख लीजिए मेरा, इसमें लिखा TTT फार्मूला, इमेज बनी है और नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो आपको समझ में तो आ नहीं रहा क्या है, सस्पेंस क्रिएट है कि वीडियो में मैंने क्या बताया होगा इसके अंदर, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब वीडियो अगर आपके काम की हुई तो आपने देख ली, नहीं तो छोड़ के चले जाएंगे। तो हमें ऐसे ही थंबनेल बनाना है। आप इस तरीके की थंबनेल अपनी वीडियो पर यूज कर सकते हैं। ऐसे थंबनेल वहाँ पर यूज किए जाते हैं जहाँ पर किसी को पता नहीं है कि आपने क्या कहा है वीडियो के अंदर। अगर आप क्लिक थ्रू रेट बनाना चाहते हैं तो इस तरह के थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करें दूसरा थंबनेल हमारा, टॉकिंग थंबनेल। टॉकिंग थंबनेल मतलब जो वीडियो के बारे में बोलता है कि आपने वीडियो में क्या बताया होगा, तो सारा कुछ आप लिख देते हैं, कुछ ऐसे एक दो वर्ड उसमें डालते हैं जिससे सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। जैसे ए वाला थंबनेल लीजिए, इसमें लिखा डेली हंट के बारे में, तो आपको पता चल गया कि आप वीडियो में डेली हंट के बारे में बताने वाले, लेकिन मैंने इसमें कॉमन लाइन या अट्रैक्टिव लाइन लगा दी, 10 कॉमन हैशटैग्स। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो भाई देखें कैसे 10 कॉमन हैशटैग्स हैं, कौन कौन आपने बताए हैं। तो एक दो लाइन आपको इस तरीके की डालना, अपनी इमेज आपको लगा देनी है, इसमें फ़ोटो वोटो ज़्यादा आपको लगानी नहीं, ना ही इमोजी लगानी है। आपका मेन काम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिखना, एक्सप्लेन करना कि आपने वीडियो में क्या बताया हुआ। तो इस तरीके से आप अगर थंबनेल का यूज करते हैं, सेकंड वाला थंबनेल आपको वहाँ यूज करना है जिस टॉपिक के बारे में लोग जानते हों या जिसके बारे में भाई जानना चाहती हूँ, तो उस टॉपिक पर इस तरीके की थंबनेल का भी यूज कर सकते हैं कि आपने वीडियो में क्या बताया, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लिखकर और कुछ एक दो अट्रैक्टिव लाइन लगाकर, तो सामने वाला इस पर क्लिक कर देगा अगर भाई इसके बारे में जानता होगा या उसके काम की चीज़ होगी। तो इस प्रकार से दो थंबनेल बना सकते हैं आप अपने वीडियो के लिए, पहला वाला साइलेंट थंबनेल और दूसरा टॉकिंग थंबनेल। अब वो आपके निच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी निच किस प्रकार की, उसी प्रकार का आप थंबनेल लगा सकते हैं। आप थंबनेल वीडियो में बार बार नहीं बदल लें, आपको एक से ही थंबनेल बनाना है, क्योंकि जो आपके रेगुलर यूजर होते हैं आपको भले ही सब्सक्राइब ना करें, लेकिन अगर आपका वीडियो आता है तो वह देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरीके के थंबनेल केवल आपका है। तो थंबनेल को बार बार चेंज ना करें, जैसा आपका थंबनेल बनाते आ रहे हैं उसी तरीके का थंबनेल बनाइए, तो वह आपका वीडियो देखेगा एक बार दो बार तीन बार, लेकिन जब उसको पसंद आने लगेगा तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ही। तो मेन बात यही है कि आप थंबनेल बार बार चेंज ना करें। एक बार ऐसा बना दिया, एक बार अलग, तो समझ में नहीं आता आपके व्यूअर को जिसने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो वो थंबनेल के देख के हिल जाता है कि भाई पता नहीं किसका थंबनेल। अगर आप एक सही थंबनेल बनाएंगे तो उसे पता है कि भाई क्या थंबनेल ऐसा होता है। अगर आप इस तरीके से थंबनेल क्रिएट करते हैं तो आपका चैनल ज़रूर से ग्रो होने वाला, क्योंकि मेन होती है थंबनेल। वीडियो जैसा हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए। थंबनेल पर फोकस कीजिए और हो सके तो वीडियो बनाने के पहले ही थंबनेल क्रिएट कर लीजिए। वो आपको सोचना कि आपको सस्पेंस वाला क्रिएट करना है या फिर टॉकिंग वाला।
वो आपके ऊपर है। आप सस्पेंस वाले क्रिएट करते हैं तो सस्पेंस वाले ही क्रिएट करें सारे थंबनेल, और अगर आप टॉकिंग वाले करना चाहते हैं तो उस तरीके से सारे करें। तो इस सीरीज का यह था दूसरा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम TT फॉर्मूला के थर्ड वीडियो में दूसरे टी का मतलब आपको बताऊंगा। है इस वीडियो से रिलेटेड, आप सोचिए क्या हो सकता है, तो मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपने सोच रखा कि उस टी का क्या मतलब है तो मुझे बता दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और इसी सीरीज के थर्ड वीडियो में।